इतनी कड़ाके की ठंड है कि निकलना दुश्वार हो रहा है। 5 दिन से मासूम बच्चे, बेवाएं, कुछ माएं, बुजुर्ग लोग उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड में 5 दिन से अपना इंसाफ मांगने के लिए बैठे हुए हैं कि हिंदुस्तान में नेशनल मीडिया बिल्कुल आवाज नहीं उठा रही है। हम इसका पुरजोर मजम्मत करते हैं। दूसरी चीज, उत्तराखंड के अंदर 78 एकड़ जो जमीन नैनीताल के पास जिला है उसमें 90% मुसलमान, 10% हिंदू, उसमें मस्जिद, उसमें मंदिर, उसमें अस्पताल, उसमें स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल, सब चीज है। उसमें 4500 घर जा रहे हैं, उसमें 45 से 50 हजार लोग बेघर हो रहे हैं। जो लोग अपने खल्म से सत्ता के नशे में आकर और जो मजलूम मासूम लोगों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, क्या वो अल्लाह के या अपने भगवान के यहाँ पे जाके इस चीज का जवाब दे पाएंगे? खुदा ना खास्ता जब आपकी औलादों पे ये चीज पड़ेगी तो आपको इस चीज का एहसास होगा। और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि ऐसे लोग जो अपने गलत सत्ता की ताकत की वजह से कलम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, अल्लाह उनको नस्तो नाबूद कर दे। दूसरी चीज, हम सरकार से गुहार करते हैं कि इन मासूम बच्चों पे रहम का है, उन बेवाओं माओं पे रहम का है। और पहले तुम्हारा, मेरी बात पहले तुम्हारा मेरी बात सर, हम नहीं चाहते यूनिवर्सिटी की कोई बदनामी है लड़कों की वजह से। सबसे लड़कों से ऊपर हमारी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, मेरी यूनिवर्सिटी है, हम सबकी यूनिवर्सिटी है, समझ रहे? तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी को इस बात में ना उठा ले। स्टूडेंट का मामला है, आप लोग सॉर्ट आउट करेंगे। कोई मुद्दा है बाहर जाएगा ना, मैं बर्दाश्त करूंगा यूनिवर्सिटी को, कोई लड़का बर्दाश्त करेगा, क्योंकि जो डिमांड है वो आप लें।